नमस्कार। आज हम आए हैं छत पे श्री अवध बिहारी सिंह जी के, जो कि एक वरिष्ठ ऑफिसर हैं, सेवानिवृत्त ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बहुत सीनियर पर्सन हैं। और आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से अपने छत के स्पेस को यूटिलाइज़ करने के लिए खूब सारी ताजी ऑर्गेनिक सब्जियां लगा रखी हैं। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से टोमेटोज़ की ना स्टेकिंग कर रखी है। टोमेटोज़ एक के ऊपर एक नहीं गिर रहे हैं, बिल्कुल क्लियरली हर प्लांट जो है वो सीधे खड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया ब्रोकली के प्लांट्स हैं। इनका आप स्टेम देखिए, ब्रोकली के स्टेम्स देखिए कितने अच्छे मोटे स्टेम्स हैं। तो ये क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि इसमें जो ब्रोकली लगेगी वो बहुत ही बढ़िया है ना क्वालिटी की ब्रोकली लगेगी। यहाँ पे मिर्ची लगा रखी है पॉट्स के अंदर, और ये यहाँ पे भी है ना मिर्ची लगा रखी है। ये यहाँ पे पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम के अंदर सर ने लगा रखी है मेथी, और यहाँ पे हरा यहाँ पे प्याज भी लगा हुआ है। और ये ग्रो बैग के अंदर बैंगन लगे हुए हैं। मतलब पूरे स्पेस को बहुत ही खूबसूरती से है ना यूटिलाइज कर रखा है। कितना साफ सुथरे तरीके से वेजिटेबल्स भी ग्रो हो रखी हैं, सुंदर भी लग रहा है, और स्पेस का इतना बढ़िया यूटिलाइजेशन भी हो रहा है। और हर जो अवेलेबल स्पेस है उसको पूरा अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया है। ये यहाँ पे प्याज लग रहे हैं, यहाँ तक कि इवन फ्रूट प्लांट्स तक लगा रखे हैं, फ्रूट प्लांट्स और मेडिसिनल प्लांट्स। यहाँ पे देखिए लेमन का प्लांट है, ये देखिए ये लेमन का प्लांट है। ये जो प्लांट है ये है ड्रम स्टिक का, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सहजन। ये यहाँ पे पपाया का प्लांट है, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, थोड़ी सी फ्रूटिंग भी है ना स्टार्ट हुई है। ये यहाँ पे अमरूद है, वापस पपाया, देन मोरिंगा। तो आप देखिए पूरे छत को इतना सिस्टमैटिकली, ऐसा भी नहीं लग रहा कि पूरी छत कवर हो गई है, आराम से है ना छत पे घूमा जा सकता है। सिंह है और मैं झारखंड कैडर के IFS रिटायर्ड हूँ। मोस्टली यहाँ पर जो अभी वीडियो बन रहा है वो इस संबंध में रहा है कि रूफ टॉप गार्डनिंग क्यों करना चाहिए। रूफ टॉप गार्डनिंग का मेन मकसद है कि वो सब्जी जो मार्केट में मिल रहा है वो केमिकली ट्रीटेड रहता है, तरह तरह का केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डाल डाल करके उसको इस तरह से कर दिया जाता है कि वो खाने के योग्य समुचित रूप से नहीं रह पाता है। तो ये रूफ टॉप गार्डनिंग कर करके इससे हम मुक्ति पा सकते हैं, और यह पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रहता है। और इसमें दूसरी चीज़ है कि आपका रूफ टॉप जो बेकार ऐसी कोई काम में नहीं आ रहा है वो भी इसमें उपयोग हो जाता है, और आपको समय समय पर अच्छी मात्रा में ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स प्राप्त होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये लगा तो लेता है बहुत लोग, लेकिन अगर इसमें पर्सनल केयर नहीं कीजिएगा तो समुचित परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी लगाते हों उन्हें सुबह और शाम कम से कम 15 से 20 मिनट, नहीं तो आधा घंटा अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। और साथ साथ जो सीड्स इसमें उपयोग करना है, अच्छे क्वालिटी का उपयोग करना है, और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड चाहे इंसेक्टिसाइड जो भी डालते हैं तो उसको मन प्रतिदिन छिड़काव कीजिए, जिससे कि तरह तरह का जो कीटाणु और फंगस, कैटरपिलर इत्यादि है वो इसमें नहीं अटैक करेगा, और अटैक करेगा भी तो वो मर जाएगा, तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जो सब्जी मिल रहा है वो केमिकली जो मार्केट में केमिकल से भरा हुआ है वो चीज़ से मुक्ति मिल जाएगी, और आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। थैंक यू।